घर घट स्थापना देख माँ अम्बे हो रही हर्षित। नौ दिन नव रूप लिए दुर्गा होती शोभित। सज गए मंदिर देवी के लगे नए पंडाल। हवन कीर्तन रामायण सजे पूजा के थाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ किमी अरोड़ा वर्मा। आज से माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं। शारदीय नवरात्र के इस उत्सव में कैसे करना है माँ अम्बे को प्रसन्न, कैसे मिलेगा आपको माँ जगदम्बे का अनन्य आशीर्वाद, कैसे जगत जननी माँ शक्ति की उपासना से कटेंगे आपके सारे संकट, साथ ही माँ की आराधना में क्या करना है आपको और क्या कार्य करने से बचना है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। वो समय आ गया है जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को शारदीय नवरात्र के महत्व के बारे में समझाएं। किम्मी जी, नवरात्र का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष महत्व है जी। देखिए, नव का अर्थ होता है नया और रात्र का अर्थ होता है समय जी। नए समय का इंतजार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। जो गतम न सोच्यामि कृतम न मन्ने, संस्कृत की यह नीति उक्ति है कि जो बीत गया है उस पर विचार नहीं करना जी, और जो आगे के लिए व्यक्ति को विचार करना है। गच्छन् न खादामि विपन्न जल पे, गतम न सोच्यामि गतम न सोच्यामि। जो बीत गया उस पर विचार ना करें, आगे के लिए श्रेष्ठ, आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करें, जिससे कि मनुष्य का भाग्य जो बनता है वो कर्म से बनता है जी। तो जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में चार नवरात्रों का विधान है, दो गुप्त नवरात्र हैं और दो प्रत्यक्ष नवरात्र हैं, प्रकट नवरात्र हैं। तो जो नवरात्र हैं इसमें भगवती महाशक्ति जगदम्बा का उपासना की जाती है। देवी की उपासना से संसार के प्रत्येक कार्य होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो प्रत्येक प्राणी के अंदर शक्ति के रूप में विद्यमान है, स्थित है, उस शक्ति के रूप में हम सभी को नमस्कार करते हैं, उस देवी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। तो जो शारदीय नवरात्र हैं यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मनाए जाते हैं जी। नवरात्रों में देवी के नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता है, देवी के नौ स्वरूपों की अर्चना की जाती है, पंचोपचार से, षोडशोपचार से, जैसा आपके पास में व्यवस्था हो उसके हिसाब से। तो प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। पहले दिन माता का शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है, दूसरे दिन भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है, और तीसरे दिन माँ का चंद्र घंटा के स्वरूप में पूजन किया जाता है, तृतीयम चंद्र घंटे थी। चौथे दिन माता का कूष्मांडा के रूप में पूजन किया जाता है, और स्कंद माता का पूजन पांचवें दिन किया जाता है। देखिए, जो छठा दिन है ये भगवती कात्यायनी का है, षष्ठम कालरात्रि थी और महागौरी थी चाष्ट, जो सप्तमी है ये भगवती कालरात्रि के लिए है, और अष्टमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन भगवती का महागौरी के रूप में किया जाता है। कि नवरात्र की शुरुआत हुई है तो ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन किस समय करना अच्छा रहता है, लाभदायक सबसे ज्यादा रहता है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, और सुबह का भी और शाम का भी समय बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भगवती के कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वो प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक है। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, और इसके उपरांत राहु काल आरंभ हो जाएगा। तो राहु काल में किसी भी प्रकार से अनुष्ठान इत्यादि आरंभ नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ये प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस से 9 दिन का ये अनुष्ठान होता है, 9 दिनों तक इसके सभी नियम हैं, आचार विचार व्यवहार ये सभी एकदम शुद्ध होना चाहिए, घर का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो दूसरा जो पूजन का समय है वह 10 बजे से आरंभ होता है जी, और 10 बज करके 42 मिनट तक ये दूसरा पूजन का मुहूर्त है, और तीसरा पूजन जो है ये 11 बज करके 48 मिनट से आरंभ होता है, इसको अभिजित मुहूर्त कहते हैं। तो ये 48 मिनट करेंगे जो 11 बज करके 48 मिनट से आरंभ हो रहा है। तो इस प्रकार से 3 मुहूर्त हैं जिसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योति जगा सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, और भगवान गणपति का पूजन करके, भगवान सूर्यादि नवग्रहों का पूजन करके, षोडश मातृका, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, इन सभी का विधिवत पूजन करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। मुख्य जो मुहूर्त है वो कलश की स्थापना का है। तो ये जो समय मैंने आपको बताया है ठीक इसी समय में आपने और कलश की स्थापना करना है। पंडित जी देखिए, कलश स्थापना के बारे में आपने बताया, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी बताएं, और पूजा कैसे करनी है, आपके पास ये सामग्री है तो अगर आप वो भी करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए किम्मी जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये लकड़ी की चौकी पर जैसे हमने ये सारा कुछ सफेद वस्त्र बिछा करके कलश की स्थापना की है, ये सारा कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं, और सबसे पहले पूजन में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। स्वस्ति वाचन बहुत जो है बड़ा है और प्रायः सबको नहीं आता है, वेद में स्वस्ति वाचन अलग है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो है प्रैक्टिकल जो होता है उसका महत्व होता है। तो आप सबसे पहले अपने हाथ में चावल पुष्प लीजिए, सबसे पहले आचमन करना है जी। आचमन के बाद अपने शरीर का पवित्रीकरण करना है। ओम पुनन्तु वाम देव जनः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वभूतानि जात भेदः, पुनेहि माम् अपाम पुनन्तु पृथ्वी, पृथ्वी पूता, पुनेहि माम् पुनन्तु ब्राह्मणस्य वदि, ब्रह्मकोता, पुनेहि माम् यदत्तरजिष्टं भोजं यदा दुश्चरितं मम तत्सर्वं पुनन्तु मामापो सदां च परिग्रहां। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्यभ्यन्तरा शुचिः, पुण्डरीकाक्ष पुरातुः, पुण्डरीकाक्षात् पुरातुः, शतवारं भवतु शतायुर्वै पुरुषः सतेन्द्रियायुर्वेन्द्रियवीरात्मन्धते, आदित्यः वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः, तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। ओम मा स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो वारिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो। इस प्रकार से स्वस्ति मंत्र का पाठ करना है, आप यहाँ पर यहीं छोड़ दीजिए इसको, और इसके बाद आपको बताऊंगी संकल्प करना है जी। संकल्प में भी आपने अपने हाथ में चावल पुष्प और जल लेना है, थोड़ा अपने हाथ में द्रव्य दक्षिणा इत्यादि भी रखना है, और इसके बाद संकल्प पढ़ना है। संकल्प में 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करना है, और उसके उपरांत जो है संबत का उच्चारण करना है, संबत के साथ में महीने का उच्चारण करना है, तिथि और वार का उच्चारण करना है, नक्षत्र का उच्चारण करना है, साथ में अपने गोत्र का उच्चारण बहुत जरूरी है जी। अपने गोत्र का उच्चारण करना है और अपने नाम का उच्चारण करना है, और जिस मनोकामना को लेकर के आप देवी की पूजा कर रहे हैं उस देवी की पूजा के लिए अपने मन की मनोकामना निवेदित करनी है, अरदास लगानी है जी। और देवी से प्रार्थना करना है कि मैं इस कार्य को लेकर के पूजन कर रहा हूँ, माँ आप उस कार्य को पूरा करें जी। तो इस प्रकार से भगवती उस कार्य को पूर्ण कर देती हैं। ऐसा मन में ही मानसिक संकल्प भी होता है और मंत्र का संकल्प भी होता है। तो अब आप ऐसा संकल्प करेंगे
अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, तिथि और वार का उच्चारण करते हुए उसको आप छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने भगवान गणेश जी का स्मरण करना है, वेद मंत्र के माध्यम से अथवा पौराणिक मंत्र के माध्यम से भगवान गणपति का ध्यान करना है, फिर नवग्रहों का ध्यान करना है, पंच लोकपालों का, दस दिक्पालों का ध्यान करना है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कलश की स्थापना करनी है। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशिता मूले अशिष्ठितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृता कुशौ कुसागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तोषमासित्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टकरी तथा आयान्तु देव पूजाथ दुर्दक्षय कारकम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरो कलश में छोड़ दीजिए। ये कलश के मंत्र हैं और इसमें जल के रूप में जल के देवता भगवान वरुण देव का पूजन इसमें आवाहन स्थापन किया जाता है और इसके बाद ये स्वस्तिक आपने थाली बनाया यहाँ पर सभी देवताओं का पूजन करना है और सबसे अंत में भगवती के प्रथम दिन शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का जिस प्रकार मैंने आपको बताया है जी। उसी प्रकार से देवी का ये सारा पूजन कर्मकांड करना है और सबसे अंत में देवी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्तमे आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम जगदीश्वरी यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत् भवेत् तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीदत् परमेश्वरी। भगवान शंकराचार्य जी ने देवी की स्तुति करते हुए क्षमा प्रार्थना किया है कि न मंत्रम नो यांत्रम तदपि च न जाने स्तोते महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तोते कथा न जाने मुद्रास्ते। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने क्षमा याचना किया है और भगवती ने प्रसन्न होकर के भगवान शंकराचार्य जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया जी। तो वह जगदम्बा है, वह माँ है। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित है। माँ चंद्र घंटा की आराधना में नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। नारंगी रंग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ऐं श्रीं शक्त्यै नमः ये मंत्र है, मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह का प्रभाव बढ़ता है और इस दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को ये शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहिए। अब किम्मी जी हम बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग उमंग का प्रतीक है। माँ की असीम कृपा पाने के लिए ऐं ह्रीं देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा से कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होता है और इस दिन माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ अत्यंत प्रसन्न होती है जी। नवरात्रि के पांचवें दिन की यदि हम बात करते हैं, नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंध माता की उपासना की जाती है। पांचवें दिन हरे रंग का प्रयोग करने से व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और दूसरों की मदद करने वाला बनता है। हरा रंग कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है और देवी का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वमिन्यै नमः। ये ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से बेहद लाभ मिलता है और स्कंद माता की पूजा से बुध ग्रह का दोष कुंडली में समाप्त हो जाता है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना अत्यंत उपयुक्त है, अत्यंत लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं छठे नवरात्र की। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायन ऋषि की बेटी होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि में स्लेटी रंग के वस्त्र धारण करना ये अथवा ग्रे रंग के वस्त्र धारण करना यह देवी को बहुत पसंद है। देखिए बुराइयों को नष्ट करने वाला यह रंग बताया गया है। माँ को प्रसन्न करने के लिए
एक मंत्र है, क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी कात्यायनी की पूजा से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और इस दिन मां को शहद का भोग लगाना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध में जो गोपिकाएं हैं, वह भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी का ही पूजन करती थी और उसके लिए लिखा है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्य भुज्यानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे मंत्र ऋतु अर्थात मार्गशीर्ष से कार्तिक के महीने तक, एक ऋतु दो महीने की होती है, तो प्रातः काल गोपिकाएं उठ करके यमुना स्नान करने जाती है। यमुना जी में स्नान करके भगवती कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और वहां जाकर के माँ का पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, पति का अर्थ 22-22 बच्चे पैदा करने वाला नहीं है, पति का अर्थ है जो पालन करता है, तो इसलिए कात्यायनी का पूजन। अब बात करते हैं देवी के नवरात्र सातवें दिन की। सातवां दिन माँ कात्यायनी को कालरात्रि को समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का प्रयोग शुभ माना गया है। नीला रंग निर्भयता को दर्शाता है और देवी का मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः, अथवा मंत्र का ये जाप करना चाहिए। देवी कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह का दोष समाप्त होता है, शनि की साढ़साती का दोष समाप्त होता है। शनि यदि मार्गेस है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, अथवा अष्टम भाव के शनि का दोष, द्वादश भाव के शनि का दोष समाप्त होता है। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को जामुनी रंग बहुत प्रिय है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है और मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। मंत्र का जाप करें। महागौरी की पूजा से राहु दोष समाप्त होता है। राहु हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है तो यह दोष समाप्त हो जाता है। माँ को पूरी चने हलवा नारियल ये सारा भोग लगा करके अर्पण किया जाता है, इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि मिजी नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नौवें दिन भगवती सिद्धिदात्री की उपासना कैसे की जाती है। उपासना इस दिन सिद्धिदात्री की जाती है और सिद्धिदात्री देवी को ज्ञान प्रदान करने वाली देवी माना गया है। इस दिन गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए और गुलाबी रंग प्रेम और नारीत्व का प्रतीक है। देवी की कृपा पाने के लिए मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। ये देखिए मंत्र बहुत छोटे होते हैं देखने में लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। मन्नात् त्रायते इति मंत्र, मन ही मन में स्मरण करने से जो सारे संकट को दूर कर देते हैं उसे मंत्र कहते हैं। देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है और माँ को अनार और तिल का भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को वरदान देती है। इसलिए ये भगवती का पूजन करने से ये सभी नवग्रह दोषों की समाप्ति हो जाती है। जी किमें जी। तो चलिए पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ बताया, पूजा की विधि क्या है वो आपने बताई। नवरात्रि के नौ दिन भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन दिनों में क्या करना चाहिए, इन नौ दिनों में कुछ नियम भी होते हैं जिनका भक्तों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, आप वो नियम भी जरा बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है किम्मी जी कि देवी दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन दिनों में माता रानी की प्रसन्नता के लिए लाल रंग के पुष्प अर्पण करने चाहिए और माता को लाल चुन्नी चढ़ाना चाहिए, लाल रंग के वस्त्र जो है स्वयं धारण करें, देवी को भी चढ़ाएं, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए क्योंकि समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। ऊर्जा शरीर में आती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो नवरात्रि में माता के विशेष श्रृंगार भी कर सकते हैं और माँ को अति प्रिय है श्रृंगार जो है। अगर संभव हो तो खुद भी लाल रंग के वस्त्र पहन करके और शुद्ध मन से घर के मुख्य दरवाजे पर पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वस्तिक बनाएं। रोली से स्वस्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में
सकारात्मकता लाते हैं। देखिए नवरात्रि में 9 दिन तक माँ के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं और अगर आप संभव हो तो यह संकल्प भी ले सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप नहीं कर सकते तो देवी का नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडाये विच्चे। आचार विचार शुद्ध रखें, लहसुन प्याज तक का भी परहेज रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित और अखंड ज्योति जिस प्रकार मैंने आपको बताया है ये सारे कार्य नवरात्रि के प्रथम दिन किए जाते हैं। तो इन दोनों घर को छोड़ करके खाली छोड़ करके क्योंकि देवी का आवाहन है घर में, भगवती माँ विराजमान है घर में, अपने गणों के साथ विराजमान है, तो घर को छोड़ करके अकेले नहीं जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना जरूरी है बिल्कुल। चलिए देखिए नवरात्रों के समय में सकारात्मक तरंगे होती हैं, लेकिन आप ऊर्जा को किस तरह से सकारात्मक रख सकते हैं वो तमाम बातें आपको पंडित जी ने बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी तरह का मन में आपके कोई भी ऐसा सवाल होगा कि नवरात्रि में पूजा कैसे करनी है, पूजन की विधि क्या है, सामग्री क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। पंडित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।